How many people are there who really want to scale their business? Yes, we all want to scale our business, sir. How many people are really growing the way they want? मतलब जितना हम सोचते हैं कि हम जनवरी है, हम इस क्वार्टर में हम ये अचीव करेंगे, और फिर हम ट्राई करते हैं और एक टाइम के बाद उसकी वजह से नो मेरा एक एम्प्लॉय छोड़ के चला, and we start making excuses. That's what happens, right? That's where we need to understand. It's always us, not anyone else. जब तक हम दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी, because the only person you can change is yourself. That is where life coaching comes. That is where you need to understand कि सिर्फ technical skills जो हमें सिखाई जाती हैं या industry में, right? These are in insurance, right? You are into us. These are very important. But आपको company grow करनी है तो you need to develop a team. And when you need to develop a team as an entrepreneur, आपको समझना है कि आपको goals achieve करने के लिए सिर्फ smart SMART से काम नहीं चलेगा. आपकी core values क्या है, आपके belief system क्या है, शायद वो आपको रोक रहे हैं अपने goals को achieve करने के लिए. Where the life coaching as one to one, और आपके team members जो हैं, हम पूछते रहते हैं, push करते रहते हैं, ये करो वो करो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, but जो life skills उनको college और schools में सिखानी चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं सिखाई जा रही है. We are very sad about. That's where I come. I'm a certified life coach and a life skills trainer. I've been on TEDx platform as well. I'm a TEDx speaker. Been featured in different, but that is not important. But I am here right now is to tell you people that it is high time, because every third person in India is suffering from depression. People don't tell them. Yes. When I talk to people, people come to me after workshop. सामने ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुशमिजाज इंसान है, right? But पीछे उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है उनको खुद आइडिया भी नहीं होता, right? That's where I, I'm certified life coach and a life skills trainer, niche specialist. Right? काफी सारे लोग हैं अपने बिजनेस के अंदर, उनको नहीं पता होता कि उनकी नीश क्या है, राइट? ठीक है, कहां उनको फोकस करना है. दैट्स व्हेयर आई कम्स इन एंडियन आई हेल्प पीपल. सो व्हाट इज लाइफ कोचिंग? कैन यू यू नो अल्टीमेटली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस, थैंक यू सो मच. लाइफ कोचिंग, राइट? इट्स नॉट ओनली मोटिवेशन की आकर कोई ध्यान देना, राइट? इट्स नॉट ओनली की नहीं तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे. अगर कर ले होते तो हमारे माँ बाप मर ले अच्छा ही सोचते हैं और बोलते भी हैं. हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं. लाइफ कोचिंग इज नॉट टू टेल यू कि आपको ये करना चाहिए. लाइफ कोचिंग के आपको ये रियलाइज कराए और आपके मुंह से निकलवाए. लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है स्पेशली हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि हम ब्लेम गेम खेलने में बड़ा मजा आता है, राइट? क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, राइट? कि मुझे ये करना है, और स्पेशली हमारे एम्प्लॉयज भी, right? We don't want to take ownership. Life coaching comes handy that. As a life coach, I will not tell you कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो. I will ask the right questions. मेरा वो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आपके मुँह से बोलवाता हूँ. क्योंकि जब तक आप वो नहीं बोलोगे तब तक आप उस चीज में, right? ठीक है, कभी ownership नहीं लोगे, और कभी ownership नहीं लोगे तो कभी काम नहीं करोगे, right? चाहे वो आप as an entrepreneur हो या आपके employees as an employee हो, अगर overall growth चाहिए तो वो चीज बहुत important. Right? As I said, how life coaching changed my life. एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मेरे अकाउंट में शायद 8,000 रुपए थे और मेरी नेक्स्ट गाड़ी की EMI 10,000 रुपए का. It was totally as an entrepreneur, शायद बहुत लोगों ने वो टाइम फेस किया होगा कि हमें नहीं पता कहाँ है. That's where जो लाइफ कोचिंग मैंने सीखी थी अपने मेंटोर से, right? ठीक है, वो हैंडी आई, चीजों को स्ट्रीमलाइन किया, भरोसा डेवलप किया, और आज I'm running a company, you know, which contains more than 18 employees. And being featured in lot many people, which I am going to tell. So, you know, if I talk about very quickly in 2 minutes about life coaching, goal setting, हम सब बात करते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, but goal setting हम क्यों achieve नहीं कर पाते? हम जिम में weight lose करना चाहते हैं, हम you know travel करना चाहते हैं family के साथ, हम क्या बोलते हैं you know हम एक नई property लेना चाहते हैं, but हमारे you know finances कहीं manage क्यों नहीं होते? क्योंकि जो भी हम goal set करते हैं, सबसे पहले we need to understand our leadership theory. राइट, ठीक है, हमारा डीएनए क्या है, राइट, ठीक है, हमारी कोर वैल्यूज क्या है. स्पेशली आप सारे एंटरप्रेन्योर्स हो, आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है, राइट? इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, कल को कुछ भी होगा, स्केल अप करोगे तो चैलेंजेस आएंगे. तो एज अ पर्सन और एज अ कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है. इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, कोई भी गोल्स अचीव करो, ट्रस्ट मी, यू विल फेस चैलेंजेस.
आई हैव सीन माय माइसेल्फ एंड सीन विद अ लॉट ऑफ पीपल इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग, जिसको मैं एक सिंपल भाषा में कहूं तो कहते हैं उसको बिलीफ सिस्टम, राइट? और बिलीफ सिस्टम सोच के नहीं आता. एग्जांपल देता हूं बहुत छोटा सा. आप गाड़ी चलाते हैं, स्टार्टिंग में जब आपने कार चलाना सीखा तो एकदम से यू नो हवा टाइट हो गई थी. क्यों? क्योंकि स्टीयरिंग व्हील भी संभालना है, क्लच भी संभालना है, ब्रेक भी है, ये भी है. आज फोन पे बात भी कर रहे होते हैं, अपने आप ही सब चल रहा होता है, कोई सामने आ जाए अपने आप ही ब्रेक लगे, क्योंकि ये चीजें कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियस माइंड से हो रही. और बिलीफ सिस्टम भी सबकॉन्शियसली डेवलप होते हैं. पास्ट में कोई इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में और वो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कर देता है जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं मूव आउट कर रहे होते, राइट? एज एन एंटरप्रेन्योर आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके एम्प्लॉइज के बिलीफ सिस्टम क्या है, अगर आप उस पर नहीं काम करोगे तो कोई वर्क कल्चर आप क्रिएट चाहकर भी नहीं कर सकते. और जब तक वर्क कल्चर क्रिएट नहीं होगा, आई थिंक प्रवीण सर बात करेंगे, कभी भी कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट? दैट्स व्हेयर द बिलीफ सिस्टम कम्स. आउटकम्स गोल्स में क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में अगेन ये सबकॉन्शियस दिया गोल से मतलब अचीव नहीं हुआ, तभी मैं उसको आउटकम्स कहता हूँ. कि हमारे आउटकम्स ऐसे हों वो साइंटिफिकली, इट्स नॉट अबाउट SMART, इट्स अबाउट साइंटिफिक टूल्स है कैसे उसको हम अचीव कर सकते, राइट? एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजिकल पैटर्न है विच जब मैं 1-to-1 एंटरप्रेन्योर्स को देता हूँ तो मैं उनके साथ वो करता हूँ कि अगर आपका गोल है कि आप 10 CR पे है, 15 CR पे जाना है, तो उसका रोड मैप क्या रहेगा, आपको कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप आएंगे तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दोस थिंग्स दैट कम्स इन यू नो आउटकम प्लस अनलीश यू, जब आपको ये पता चल जाता है उसके अलावा, राइट? ठीक है, कैसे कैसे आप जब बिजनेस ग्रो करोगे जो चैलेंजेस आएंगे उस टाइम अपने आपको कैसे टैकल करना है, किस कि कैसे लोगों के साथ आपको यू नो उठना बैठना है, टॉक्सिक लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको लग रहा है ये इंसान आपका दोस्त है बट वो शायद आपका दोस्त नहीं, कैसे उनसे टैकल करना है. आप बोलोगे नहीं तू टॉक्सिक है, मैं तेरे साथ टाइम नहीं बिताऊंगा, नो दैट्स नॉट द वे. हाउ यू नीड टू टैकल विद देम, वो शायद आपके घर में आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, शायद किसी को सुन के बुरा लगेगा, आई एम सॉरी, किसी के माँ बाप या कोई भाई बहन भी हो सकता है, बट हमें उनसे क्या, हम घर नहीं छोड़ सकते, उनसे कैसे डील करना है, दैट्स वेयर यू नो वी डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सक्सेस ब्लूप्रिंट. जब ये सारी चीजें आपको एज एन एंटरप्रेन्योर समझ आती है, राइट, तो आपका सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या रहा है जो आपको रोज सुबह उठने में मोटिवेशन दे कि मुझे ये चीज करनी है और नो मैटर व्हाट ऑफिस जाना है यार, वो फील आपको जिंदगी में कभी नहीं, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट वन थिंग कि एक घंटे में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, इट्स अबाउट द सिस्टम, बिकॉज पीपल फेल सिस्टम डजंट. And that's what I believe in. That's what my mentor believe in. जिन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई और वही मैं अब लोगों को सिखा रहा हूँ, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे वो एम्प्लॉइज में ट्रेनिंग देना, राइट? बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, अगर मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करूँ 30 seconds के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ है जो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें. आज इतना स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का इशू है, फैमिली के साथ इशू नहीं होता, आप अपनी वाइफ के साथ टाइम नहीं दे रहे और आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा, अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, आई एम सॉरी, आप अपने आप से इशू बोल रहे हैं. तो हाउ टू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू वर्क ऑन योर प्रोडक्टिविटी, राइट? ठीक है, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनकी कॉम्पिटेंसी को कैसे इंक्रीज करना है, एक वर्क कल्चर को आपको कैसे क्रिएट करना है बाय वर्किंग ऑन राइट कोर वैल्यूज एंड राइट यू नो बिलीफ सिस्टम्स, राइट? क्योंकि 10 से आपको 50 पे जाना है, ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीजों पे नहीं काम कर रहे हो यू विल लैक, और आपको रियलाइज होगा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से आप आगे नहीं ग्रो कर पाओ, राइट? सो ऑलवेज आई से लाइफ स्किल्स बिफोर लाइफ स्लिप्स. Don't wait for that moment to come. Wonderful. Being an entrepreneur, बहुत सारे challenges आते हैं. अगर आपको, मैं यहाँ पे किसी depression को solve नहीं कर रहा हूँ. आप एक entrepreneur हैं, आप next level पे जाना चाहते हैं, मैं बस आपको handhold करना चाहता हूँ कि आपके पास एक इंसान हो कि कोई भी problem हो, मैं ultimately इस इंसान के पास जाके वो चीज़ share करना चाहता हूँ. That's where the life goes. Right? चाहे वो personal life हो, professional life हो, कैसे आपको grow करना है, क्या challenges आ रहे हैं, उसको resolve. Right. I have worked with some of the speakers. I have been a best speaker at Midas Talk. I have worked with Pushkar Raj Thakur. He's a very famous YouTuber, more than 3-4 million followers. Vivek Bindra sir ko to I think sabhi jante hain yahan pe. I have created a course on brand management with everything about entrepreneurship. Agar koi bhi EAU ka jo bahut famous model hai, usme aap loge to usme mera ek course aayega brand management pe. And I work with, he's my mentor, Arfin Khan. इनके साथ मैंने काफी बार स्टेज शेयर किया है, राइट? एवरी नॉट टेडएक्स प्लेटफॉर्म. एंड अभी अगर आप डालेंगे ओमी गुप्ता गूगल पे तो आपको स्टार्टिंग के 2 pages मेरे दिखाएंगे और सारे अल्टीमेटली उसमें लिंक्स मेरे ही होते हैं. दैट इज हाउ यू नो मैंने टेडएक्स पे दिया था हाउ टू बिल्ड अ यूनिक पर्सनलाइज्ड एंड इमॉर्टल ब्रांड. और एक बहुत जल्दी अगले 2 महीने में फिर से टेडएक्स पे जाने वाला, राइट?
I'm not talking about these players. Right, I've been featured in Thrive Global, Indian Saga and News Track Live. Right, or abhi bahut jaldi I'll be featured in Midday as well. Right, so these are the credentials. Why I'm saying that the person who is sitting right now, like, ki wo cheez jo main karna chahta hu ya jo cheez kar raha hu, bas main aapke samne explain karna chahta hu ki how can I help? Overcoming the limiting beliefs which has become hurdle in your growth. You don't realize it, trust me, aapko lagega ye gyan ki baatein hai. Ye subconsciously ho raha hai, aapko pata bhi nahi hai. उसको रियलाइज करना कि वो सबकॉन्शियसली कहाँ हो रहा है, आपको कैसे उसको ओवरकम करके रिजॉल्व करना है, दैट्स वेयर आई कम इन, राइट? आइडेंटिफाइंग योर कोर वैल्यूज एज अ सेट एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज अ कल्चर व्हिच यू आर गोइंग टू क्रिएट इन योर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग. हम हर एज एन एंटरप्रेन्योर हर छोटी छोटी डिसीजन हम क्विक डिसीजन कैसे लें और जो हमारे बिजनेस को फायदा करे, हमारी पर्सनल लाइफ को फायदा करे. वेयर आई कम इन हैंडी साइंटिफिकली प्रूवन रोड मैप टू अचीव योर गोल्स, जिसमें मैंने बोला इट्स नॉट गिव आई प्रॉपरली रोड मैप करो आप prepare ho pehle hi challenges se. One to one session to resolve conflict in personal life, as I said, right, because sometimes hamara business hamare personal life ke wajah se nahi grow kar raha hota. Aur kaise us cheez pe aapko, you know, mold karke wahan pe I provide one to one to entrepreneurs, not only personal life but professional life as well, giving soft skills and life skills training in your organization. So if you are into college, right, koi college ke aap known mein hai, wahan pe campus to corporate trainings hoti hain ki wahan pe industry ready karaya jata hai. Right, technical skills तो सिखाते हैं, but industry ready की जो trainings होती है, where I come in industry, I have given training and niche clarity consultation, जहाँ पे अगर आप डालेंगे Google पे best niche clarity specialist in India, तो आपको मेरा नाम सबसे ऊपर मिलेगा. Google top rank niche clarity specialist. As an entrepreneur, हम सब जानते हैं niche और target audience की value कितनी है. Right, where I provide my consultation. Right, clients I have worked with is Concentric Private Limited, Vishwas School. NIT Arunachal Pradesh, जहाँ पे मैंने कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी थी. MIDG World, MSMEX, वेरी वेरी हाईली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फंडेड स्टार्टअप्स, दे हैव टेकन मी एज अ स्पीकर एंड बहुत बहुत ही रिनाउंड पीपल है इस MSMEX प्लेटफॉर्म पे. ब्रेन सिटी अगेन एन इंटरनेशनल फोरम, राइट? सो दीज आर फ्यू, हैव वर्क विद लॉट ऑफ अदर पीपल. अ स्मॉल टेस्टिमोनियल, यू नो, वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज इन IIT अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने 5 डे की लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे दी थी. एंड आफ्टर दैट, इफ यू कैन, यू नो, प्ले दैट. बस मैं ये बताना चाहूंगा, बस ये मैं यही बोला था अलीशा ने, एंड शी हैज बीन टच विद लिंक्डइन एज वेल, कि सर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकिंग और सब ठीक है, लेकिन हर कोई ज्ञान की बातें करता है. वो दो दिन तक तो अच्छी लगती है सुनने में, बट वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती. मेरा फोकस ज्ञान पे नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे होता है. जो भी मैं सेशन देता हूँ, मेरा एक प्रोसेस होता है कि उनका फॉलो अप मैकेनिज्म कौन करता है. मैं उसी टाइम अकाउंटेबल बनाता हूँ कि नेक्स्ट सेशन मेरा जब वो काम करके, राइट? तो काफी सारे एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर्स को इस चीज से फायदा हुआ है. Right, my give is Mr. Tanuj Keswani, co-founder of Cat & Company. Any kind of cash flow problems you are having, Kunal, founder of Just Fencing, एक बहुत बड़ा startup है in the fencing का, बहुत unique concept है जिसपे आप कर सकते हैं. Dr. Amit, arthritis specialist, right, has helped more than 10,000 people. Rupali manager for any kind of gifting solution. My ask is training and placement sales of NIT, IITs and IIMs of the country. And then, like any standard colleges, जहाँ पे, you know, you can get me in touch, जहाँ पे I can provide people campus to industry readiness training, right? Companies above 20 employees looking for increasing the productive efficiency, where it comes in handy. And I've had a lot of startups in that particular thing, and they have a lot of testimonials as well for the same. Entrepreneurs focusing identifying micro niche and target audience. जो मेरी core expertise, अगर मैं बात करूँ किसी भी entrepreneur को identify करने के लिए, individuals who wants to achieve excellence in life and leave mediocrity. Right? Mediocrity. And last but not the least, any kind of speaking engagement. I am going to speak in GLU University next coming month and SRCC. Mm-hmm. Right? SRCC में मुझे as a keynote speaker उन्होंने invite किया है. और any kind of, you know, speaking engagement you feel I can have comes in handy with my expertise and I can provide value, you can get it definitely. Thank you so much. You have been a lovely one. Thank you. Zabardast. Any references? Yes.